determination and go to bed with satisfaction. Hello everyone, welcome to the Reva classes. आज के वीडियो में हम मार्कोनी कॉफ रूल के बारे में जानेंगे. सो लेट स्टार्ट द वीडियो विद दिस एग्जांपल. वी हैव अ प्रोपीन एंड HBr एंड इन दिस रिएक्शन व्हेन वी ऐड HBr इन प्रोपीन देन डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें डबल बॉन्ड कन्वर्टेड होता है सिंगल बॉन्ड में, उस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं. साथ ही साथ इस रिएक्शन में हम कोई भी रिएजेंट का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर हम इस रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं देन इट शुड फॉलो द मार्कोनी कॉफ रूल. तो इन सभी चीज़ों से ये पता चल रहा है कि जो मार्कोनी कॉफ रूल है उसमें हम एडिशन रिएक्शन, पहली चीज़ कि उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, और दूसरी कि उसमें किसी भी रिएजेंट का यूज़ नहीं होता है. सो बाई अप्लाइंग दिस रूल व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr देन HBr ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड इन अनसेमेट्रिकल अल्कीन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड गोज विद दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. While negative part of hydrogen halide goes with that double bonded carbon atom which contain minimum number of hydrogen atom. तो मार्कोनी कॉफ रूल को हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम प्रोपीन में HBr को ऐड करते हैं तो जो HBr है वो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में ब्रेक होता है. और मार्कोनी कॉफ रूल हमें ये बताता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो जाता है उस कार्बन एटम के पास जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं. सो लेट्स सी इन द एग्जांपल. स्टेप फर्स्ट, व्हेन HBr मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव व्हिच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड Br नेगेटिव व्हिच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. स्टेप सेकंड इज proton attacks the double bond of propene in two ways and to form two type of carbocation. First one is secondary carbocation and second one is primary carbocation. और जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंड डिग्री से, और सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन से. सो पार्ट ए गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, देयरफॉर secondary carbocation adds bromine in next step. Step 3, bromine which acts as nucleophile, it attack on secondary carbocation and we get isopropyl bromide which is a major product. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्कोनी कॉफ रूल. मार्कोनी कॉफ रूल हमको ये बताता है कि जब भी किसी भी अनसेमेट्रिकल अल्कीन में हम किसी भी अनसेमेट्रिकल हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो उस समय जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो ब्रेक होते हैं H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में, जिसमें कि जो H पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन एटम से जाके ऐड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या हो ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ जो नेगेटिव पार्ट होता है हाइड्रोजन हैलाइड का वो उस कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं. एंड द मार्कोनी कॉफ रूल इज़ बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहे थे उसी पे ही न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा था एंड वी गेट द प्रोडक्ट. मार्कोनी कॉफ रूल को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स हमेशा याद रहना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ कि रिएक्टेंट जो हो वो हमेशा अनसेमेट्रिकल अल्कीन हो. दूसरा, रिएक्शन जो हो रहा है वो H पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. एंड थर्ड वन इज़ डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड एंड विच इज़ अ एडिशन रिएक्शन. सो ओवरऑल मार्कोनी कॉफ रूल फॉलोज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट. इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.